नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। दलित, सवर्णों एवं वंचितों के साथ सभी संप्रदायों में पैठ रखने वाले संपूर्ण क्रांति योद्धा के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने वाले नेता रामविलास पासवान की यादें शेष रह गई हैं। केंद्रीय मंत्री पासवान का गुरुवार को दिल्ली में देहांत के बाद आज उनका पार्थिव शरीर शाम में पटना लाया जाएगा एवं कल दाह संस्कार होगा। देश भर के लोगों के साथ आज बिहार के नेता भी अपने प्रिय बेटा एवं नेतृत्व क्षमता के निधन पर शोकित है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत बिहार के मुख्यमंत्री ने प्रिय नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनके निधन को देश के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। भाजपा, राजद, कांग्रेस समेत अन्य सभी दलों के नेताओं ने भी मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर गहरा शोक जताते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की है। भाजपा नेता हरेंद्र प्रसाद सिंह, बालेश्वर भारती ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश कांत झा ने स्वर्गीय पासवान को एक अच्छे इंसान के साथ कुशल नेता कहते हुए भावांजलि अर्पित किया। बिहार में चुनाव की चुनौतियों के बीच भी लोजपा के संरक्षक एवं अपने पिता रामविलास पासवान के साथ अंतिम क्षण तक पुत्र के दायित्व का भी बखूबी निर्वहन पासवान ने किया। चिराग पासवान दल के अध्यक्ष भी हैं। आज जेपी आंदोलन के एक स्तंभ के ढह जाने पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने भी शोक व्यक्त कर अपने को अकेला महसूस किया है। वे राजनीति में व्यंग्यात्मक लहजे में स्वर्गीय नेता को मौसम वैज्ञानिक कहते रहे। विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पटना साहिब, बाकीपुर, कुमरार, दिग्गा, मनेर, दानापुर, फुलवारी के साथ बख्तियारपुर एवं फतुहा क्षेत्र के लिए नामांकन के लिए आज से गहमागहमी शुरू हो गई है। बिहार समेत जिन राज्यों में चुनाव का ऐलान किया जा चुका है वहां पर अब नए गाइडलाइंस के तहत बड़ी आम सभा करने की अनुमति केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दे दी है। नेताओं ने इनका स्वागत किया है। स्वर्गीय रघुवंश बाबू के पुत्र सत्य प्रकाश ने जदयू का दामन थाम लिया है, जबकि बाहुबली नेता रामा सिंह ने अपनी पत्नी के लिए राजद कोटे से टिकट कटा लिया है। कहा जा सकता है कि राजद का दरवाजा राम सिंह के लिए खुल गया है। आज से लेकर 16 अक्टूबर तक के लिए पटना के जेपी गोलंबर से टीएन बनर्जी रोड एम छज्जू बाग की ओर वाहन के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया है। यह 10 बजे सुबह से लेकर 3:30 तक लागू किया है ताकि नामांकन पत्र का कार्य सुगमता से हो सके। आज से राजधानी में दूसरे फेज के नामांकन का कार्य शुरू किया जा रहा है। इसको देखते हुए पटना प्रशासन पूरी तरह चौकस है। शहर के सभी थाने भी अलर्ट मोड में आ गए हैं ताकि आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो सके। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज।